यो हेलो, अगली नटशेल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगने वाला है तो सोचा तब तक कोई रिव्यू डाल देते हैं। चेक किया तो न्यू रिलीज में यही थी, जरा हटके जरा बचके तो मैं चला गया देखने। एंड बॉय ओ बॉय, बेसिकली अगर तुम लोगों ने लव पर स्क्वायर फुट देखी है और तुम लोगों को वो पसंद आई थी तो तुम लोगों को ये भी ठीक लगी। ऑब्वियसली कीपिंग अ फ्यू प्लॉट पॉइंट्स एंड सारा अली खान की एक्टिंग असाइड, बिकॉज उसमें इट वॉज टू सिंगल पीपल प्री मैरिज जो निकले घर ढूंढने थ्रू अ लॉटरी सिस्टम, तो जुगाड़ ला के बन गए मियाँ बीवी। एंड यहाँ पे इट्स अ मैरिड कपल लिविंग इन अ मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली, चाहिए प्राइवेसी, तो ये भी निकले हैं लॉटरी में घर ढूंढने, तो जुगाड़ ला के बने डाइवोर्सीज। आई थिंक सिनेमैटिकली विकी इज फॉरएवर इन सर्च ऑफ अ हाउस एंड टू गेट दैट हाउस, हर 4-5 साल बाद बंदा नया जुगाड़ लगाने निकलता है। बट एनीवे, स्पीकिंग अबाउट द मूवी, ट्रेलर देख के इंटरेस्टिंग लगी थी बट बॉलीवुड का आजकल ज्यादा भरोसा नहीं है तो कदम फूक फूक के रखना पड़ता है, विच आई डिड एंड टू माई सरप्राइज आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड मच, क्योंकि द कास्ट वॉज गुड, बिकॉज ऑफ विच 90% सभी की एक्टिंग वॉज गुड एंड बिकॉज द डायलॉग्स रिटन वर ऑल्सो गुड, तो बस अच्छी कॉमिक टाइमिंग के साथ इट ऑल वेंट वेल। क्योंकि ऐसा होता है कि मूवी में ना जो लीड्स होते हैं दे कॉन्ट्रीब्यूट टू दी कॉमेडी ओनली अबाउट 20-30% आई वुड से, और बाकी की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वो सपोर्टिंग कास्ट की होती है, जो इसमें बहुत अच्छी थी, स्पेशली राकेश बेदी, सुष्मिता मुखर्जी, शरीफ हाशमी एंड कनुप्रिया पंडित, ओए होए, इन लोगों के होने से ना इट टर्न आउट टू बी अ प्रिटी ऑन पॉइंट फैमिली ड्रामा एंड इट वॉज अ डिलाइट टू वॉच दिस गाइज। सो द स्टोरी गोज लाइक कि ज्वाइंट फैमिली में रहता हुआ एक कपल है, 2 साल से घर के हॉल में सो रहे हैं, कूची को करने का टाइम, जगह और मौका कुछ नहीं मिलता, तो आइडिया मिला लॉटरी का, बट उसके लिए बंदा होना चाहिए कैटेगरी का, जो कि ये लोग नहीं होते ऑब्वियसली। तो दूसरे जुगाड़ में मिले 2 ऑप्शंस, एक जायदाद से बेदखल होना, दूसरा डाइवोर्स हुई लड़की को लॉटरी के लिए अप्लाई करना सोलो। तो उन्होंने ले लिया फेक तलाक, मगर बच्चे बच्चे तो होते ही चूतिए हैं, तो मामी जी के बेटे को मिले डाइवोर्स पेपर्स और चूतिए ने ले जाके अपने बाप को पकड़ा दिया, और बस यहाँ से स्ट्रगल शुरू, घर वालों को कन्विंस करना, कोर्ट को कन्विंस करना, फिर घर का इंतजार, फलाना ढिमकाना, इट ऑल वेंट प्रीटी गुड इन द फर्स्ट हाफ अंटिल द सेकंड हाफ स्टार्टेड, बिकॉज देयर वर अ फ्यू प्लॉट पॉइंट्स इनके वजह से सेकंड हाफ में स्टोरी सिंपली लुक्स फोर्स्ड, सीरियसली, क्योंकि ड्रामा दिखाना था तो जो दिखाया वो कतई ही अननेसेसरी था, ऐसे लफड़े जो फर्स्ट हाफ के अकॉर्डिंगली होने ही नहीं चाहिए थे, विच इज वाई कॉन्फ्लिक्ट का एंड करने वाला पार्ट भी बहुत ही एंटी क्लाइमेटिक हो गया, तो बाय द एंड ऑफ द मूवी आई वाज लाइक व्हाट द फक, बट ठीक है, इग्नोर करना सीख लिया अपन ने। पर्सनली मैं ये सोच रहा हूँ और नोटिस कर रहा हूँ कि टू मेक गुड कॉमेडी मूवीज या फिर इवन क्लोज टू गुड, हर राइटर और डायरेक्टर इज ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स ऑल दीज प्रॉपर रीजनल एक्सेंट्स, मोस्ट यूज्ड पहले बिहारी होता था बट अब काफी टाइम से इट्स शिफ्टिंग टुवर्ड्स एमपी, कभी भोपाली कभी इंदौरी, विच आई हर्ड विकी कौशल वर्क्ड वेरी हार्ड टू गेट ऑन पॉइंट एंड गुड फॉर अस इट डिड, बट सारा देखो ऐसा है कि शी इज ट्राइंग, ओके शी इज ट्राइंग, पहले की मूवी से थोड़ी सी बेटर हुई है एक्टिंग, बट ब्रो शी स्टिल नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क, लाइक क्वाइट अ लॉट, बिकॉज इसका कैरेक्टर था पंजाबी लिविंग इन ग्वालियर / इंदौर, बट ना पंजाबी एक्सेंट था ना इंदौरिया, प्लस ये बेचारी जितनी भी कोशिश करे ना एट द एंड कहीं ना कहीं इसकी डिलीवरी अननेचुरल लगती ही है, विच पॉप्स आउट टू मच और फिर उससे सीन का मजा चला जाता है, बट ओवरऑल द मूवी वॉज फाइन बिकॉज एंटरटेनमेंट चाहिए ना, वो है, इट्स फनी, इट्स क्वर्की, इट्स मिडिल क्लास एंड इट्स इंटरेस्टिंग, एंड यस गाने मेनली तेरे वास्ते और फिर और क्या चाहिए बड़े प्यारे लगे मुझे, तो अगर देख चुके हो या जाके देखने वाले हो तो देख लो और फिर आके मुझे कमेंट्स में बताना कैसी लगी, फिर करेंगे डिस्कस। एंड नटशेल पे काम चल रहा है, अगली नटशेल जल्दी आएगी, डू नॉट वरी पीपल।